हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल। और स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं आईआईटी जेईई मेंस 2020 में केमिस्ट्री के केमिकल इक्विलिब्रियम से एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में। सो गाइस, इस क्वेश्चन का अपन एनालिसिस करेंगे, इसको अपन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे और लास्ट में आप देखोगे कि इस क्वेश्चन को आप विद इन 1 मिनट सोल्व कर सकते हैं एग्जाम में। सो गाइस, ये एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें बोला गया है फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स आर गिवन। इस क्वेश्चन में अपने को दो रिएक्शन दी हुई हैं ऑलरेडी और दोनों रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अपने को ऑलरेडी गिवन है, राइट। और फिर इस क्वेश्चन में बोला गया है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन ट्वाइस ऑफ SO2 प्लस ऑक्सीजन इज इन इक्विलिब्रियम विद ट्वाइस ऑफ SO3। सो एक थर्ड रिएक्शन है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अपने को क्वेश्चन में पूछा गया है और दो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अपने को गिवन है। सो गाइस, ये करने के लिए अपने को इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों रिएक्शन की हेल्प लेनी होगी। और इन दोनों रिएक्शन की हेल्प किस तरीके से ली जाए, वही इस क्वेश्चन को पूछने का रीजन है। सो गाइस, ये रिएक्शन बनाने के लिए इन दोनों रिएक्शन को अपन किस तरीके से यूज करेंगे, अपन सेकेंड वाली रिएक्शन को एज इट इज लिखेंगे और फर्स्ट वाली रिएक्शन को रिवर्स करके ट्वाइस से मल्टीप्लाई करेंगे, टू से मल्टीप्लाई करेंगे इस रिएक्शन को रिवर्स करके, और इस रिएक्शन को ऐड करेंगे तब अपने को ये रिएक्शन मिलेगी। और ऐसा करने से इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस तरीके से चेंज होंगे और किस तरीके इसके फाइनल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनेगा, वहां से अपना आंसर आएगा। सो गाइस, सबसे पहले सेकेंड वाले रिएक्शन को अपन एज इट इज लिखते हैं। सेकेंड रिएक्शन में अपने को दिया गया है कि ट्वाइस ऑफ सल्फर रिएक्ट्स विद 3 ऑक्सीजन इज इन इक्विलिब्रियम विद Twice of SO3, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अपने को गिवन है 10^129। और इस रिएक्शन में अपन जो अपनी फर्स्ट वाली रिएक्शन है उसको रिवर्स करके ऐड करके लिखेंगे। सो जो फर्स्ट वाली रिएक्शन उसको रिवर्स करेंगे तो ये बन जाएगा SO2 इज इन इक्विलिब्रियम विथ सल्फर प्लस ऑक्सीजन, और जब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो इसके स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सबके 2 बन जाएंगे, राइट। इन दोनों रिएक्शन को जब अपन ऐड करेंगे तो अपनी जो फाइनल रिएक्शन है, थर्ड रिएक्शन जो अपने को पूछा गया है, ये रिएक्शन अपने को मिल जाएगी। लेकिन गाइस, उससे पहले अपन ये जो रिएक्शन है इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखना चाहेंगे। ओरिजिनली इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10^52 था, इसको अगर अपन ने रिवर्स किया है तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बन जाएगा 1 upon 10 to the power 52। और उसके बाद में अपन इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई भी किया था, और अगर 2 से मल्टीप्लाई किया है तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बन जाएगा स्क्वायर। सो इस तरीके से जो नई वाली रिएक्शन है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अपने को पता लग गया। अब गाइस, अगर अपन इन दोनों रिएक्शन को ऐड करेंगे तो इधर होगा ट्वाइस ऑफ SO2, और अगर आप ऑक्सीजन को देखेंगे यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो इधर 1 ऑक्सीजन बच जाएगी। और उसके बाद अपन देखेंगे कि 2 सल्फर है, 2 सल्फर दोनों साइड कैंसिल आउट हो जाएंगे और इधर बचेगा ट्वाइस ऑफ SO3। सो गाइस, जो रिएक्शन अपने को जिस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा गया है वो रिएक्शन अपन ने एग्जैक्टली जनरेट कर ली है। अब इन दोनों रिएक्शन को अगर अपन ने ऐड किया है तो इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 upon 10^129 मल्टीप्लाइड बाई 1 upon 10^104। इसका जब स्क्वायर करेंगे ये 104 बन जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो कैलकुलेशन करेंगे फाइनली बचेगा 10^25, क्योंकि इसका पावर नेगेटिव में ऊपर जाएगा इससे ऐड होगा तो फाइनली 10^25 बचेगा। सो गाइस, अपना देख पा रहे हैं अपना जो डी ऑप्शन है वो आंसर हो जाएगा। सो गाइस, इस क्वेश्चन में सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि दो रिएक्शन को किस तरीके से रीअरेंज किया जाए कि एक रिक्वायर्ड रिएक्शन को ऑब्टेन किया जा सके, और जिस तरीके से रीअरेंज किया जाएगा उस तरीके से इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदल जाएंगे और अपने को फाइनली नए रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता लग जाएगा। यहाँ पे अपन ने जो सेकंड रिएक्शन दी गई थी उसको एज इट इज लिखा था, और जो फर्स्ट रिएक्शन थी उसको रिवर्स करके ट्वाइस से मल्टीप्लाई किया था, इस तरीके से इसके नए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बने, दोनों रिएक्शन को ऐड करके थर्ड इक्वेशन बनाई, और इस थर्ड रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा, क्योंकि जब दो रिएक्शन को ऐड करते हैं तो इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं, इस तरीके से अपने को अपना फाइनल आंसर मिल जाएगा। सो गाइस, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, इसको अपन विद इन 1 मिनट में सोल्व कर सकते थे। सो अगर आपको हमारा एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें,
और दूसरे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल के वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाएं। थैंक यू वेरी मच।